नमस्कार दोस्तों, एडवाइस टीवी ट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप तुरई का बीज कैसे उगाएं। इसको दोस्तों कई नामों से जाना जाता है। कुछ जगह इसको तुरई या फिर तोरी या तरोई, हमारे यहाँ इसको देहाती भाषा में तरोई बोला जाता है और शहरों में जहाँ तक तुरई नाम से ही जाना जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसको आप अपने घर पर कैसे उगाएँ। तो अगर आप इसको पॉट में उगाना चाह रहे हैं तो इसमें नीचे से एक होल कर लीजिए ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा पानी होता है वो निकल जाए। आप जब भी इसको पॉट में उगाएं तो आप उसमें होल ज़रूर करें। और मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए छोटे से पॉट में उगा रहा हूं। मैं इसमें से जब ये ग्रो हो जाएगा तब मैं ट्रांसफ़र कर लूँगा, इसको अलग ट्रांसप्लांट कर दूँगा, ज़मीन पर लगा दूँगा। और उसके बाद में इसमें हम मिट्टी डालेंगे। मिट्टी का रेशियो रहेगा 40% सोयल और 40% कंपोस्ट रहेगी, 10% इसमें सैंड रहेगा और 10% नीम की खली। तो मैंने ये मिक्स कर लिया है और उसके बाद में मैं इसमें डाल रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर तरोई की खेती की बात की जाए तो अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इसको किसी भी मिट्टी में उगा सकते हैं। लेकिन अगर अच्छी मिट्टी की बात की जाए इसके लिए कौन सी मिट्टी सबसे बेहतर होती है, तो इसमें आप बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर होती है। बलुई दोमट और दोमट मिट्टी अगर आपकी है तो इसमें ज़्यादा पैदावार होगी। अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो अगर आप घर में उगा रहे हैं तो आप अपने गार्डन सॉइल, नॉर्मल गार्डन सॉइल से भी इसको उगा सकते हैं। ये आसानी से हर जगह उग जाता है। बस आपको सिर्फ एक ही इसमें ध्यान देना है कि इसमें ज़्यादा वाटरिंग आप ना करें। अगर आप ज़मीन पर लगा रहे हैं तो भी आपको इसमें ज़्यादा वाटरिंग नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा जब इसमें वाटरिंग हो जाती है तो ये जितने भी लताएं वाले पौधे होते हैं उनमें फंगस जल्दी लग जाता है और जो जड़ें हैं उसकी वो सड़ने लगती हैं। तो इसलिए आपको इसमें ज़्यादा वाटरिंग नहीं करना है। तो आपको सीड को कुछ लगा देना इस तरह से। मैं 4-5 सीड इसमें लगा के आपको दिखा रहा हूँ। बाकी की जब ये अपडेट वीडियो मैं इसका ज़रूर बनाऊँगा जब ये अच्छे से ग्रो हो जाएगा। मैंने 4-5 दिन से मैं वेजिटेबल प्लांट के ऊपर ही वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले मैंने कद्दू प्लांट, करेला और धनिया के ऊपर भी वीडियो बनाया है। मैं उसका अपडेट वीडियो बहुत जल्दी देने वाला हूँ, तो उसके बाद में इसका अपडेट वीडियो भी आ जाएगा। लगभग 1 सप्ताह या 10 दिन का समय लगेगा। दोस्तों, अभी टेम्परेचर बहुत डाउन है तो इसलिए इसको उगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर आप इसमें कुछ सावधानियाँ बरतेंगे तो अच्छे से उगाएगा। अगर आप इसको फरवरी में उगा रहे हैं तो आसानी से उगाएगा, लेकिन अगर आप अभी इसको उगा रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप इसको, इसके लिए दोस्तों टेम्परेचर जो है वो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और अगर आप अपने गमले में उगा रहे हैं तो उसके ऊपर आप एक पॉलीथीन से कवर कर दें, ताकि अगर आपने उसको बाहर रखा है तो टेम्परेचर रात में बहुत डाउन हो जाता है, तो इसलिए आपको उस पर पॉलीथीन या फिर किसी बाल्टी वगैरह से उसको ढक सकते हैं प्लास्टिक की। तो इस तरह से आप आसानी से उगा पाएंगे। तो दोस्तों, मैंने सीड को लगा दिया, उसके बाद में आप इसमें मैं पानी डालने वाला हूँ। पहली बार पानी आपको फुल डाल देना है, उसके बाद में जब तक ये ग्रो नहीं होता है आपको इसमें पानी नहीं डालना है। हाँ, अगर आप देखें कि मिट्टी पूरी तरह से सूख गई है फिर आप इसमें पानी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप मिट्टी में नमी देख रहे हैं तो आप इसमें पानी बिल्कुल ना डालें। और अगर आप ज़मीन पर लगा रहे हैं तो पानी निकासी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा न रहे कि वहाँ पे पानी भराव हो जाए। तो मैंने एक नीचे से भी छोटा सा दिया लगा दिया है ताकि जो नीचे वाला पानी रहे वो उसमें एकत्रित हो जाए। तो कुछ इस तरह से आप आसानी से लगा सकते हैं दोस्तों। ये हर तरह के मिट्टी में लग जाती है और आसानी से ग्रो हो जाती है। बस अगर आप इसको गमले में लगा रहे हैं तो इसको किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती है, तो आप किसी डंडे या रस्सी पे उसको, उसकी बेल को चढ़ा सकते हैं। अगर आप छत पे लगा रहे हैं तो आप छत पे भी ऐसे ही रख सकते हैं। और उसके बाद में मैं एक दूसरे पॉट से इसको ढक रहा हूँ।
अभी रात का टेम्परेचर थोड़ा डाउन रहता है, इसलिए मैं इसको ढक के रखूँगा। अगर आप दिन में टेम्परेचर जब सही रहे, अगर आपके पास दूसरा नहीं है, तो आप इस तरह से पॉलीथीन से पूरा कवर कर सकते हैं, या फिर पॉली हाउस अगर आपके पास हो तो उसमें रख सकते हैं, या फिर आप किसी ऐसे जगह पर रख सकते हैं जहाँ का टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।